भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन जो होते हैं 9 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को वन शॉट में हम कैसे समझें, आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गैसीय सॉल्यूशन क्या है। देखिए, गैसीय घोल मतलब बिलियन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैसीय सॉल्यूशन। इसमें घोलक जो होता है मतलब सॉल्वेंट जो होता है वह गैस पाया जाता है, लेकिन घुल मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होगा इसमें, इसमें सॉल्यूट जो होगा वह गैस, द्रव और ठोस होता है, ठीक है। तो हमने जाना क्या, गैसीय सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट गैस होता है और सॉल्यूट जो होते हैं वह गैस, द्रव और ठोस होता है, ठीक है। एक होता है द्रव घोल या द्रव बिलियन मतलब लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, देखिए इसमें जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होता है वह लिक्विड होता है, लेकिन सॉल्यूट जो होता है वह क्या होता है, यहाँ नमक इलेक्ट्रोलाइट है, लिक्विड गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ठीक है। मतलब सॉल्वेंट जो होगा हर हमेशा जो होगा वह लिक्विड होना होगा और सॉल्यूट जो होगा वह ठोस या द्रव या गैस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये लिक्विड एक सॉल्वेंट होगा, अब ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड गैस सॉल्यूशन होगा और लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन होगा। उसी तरह इसमें भी क्या होता है, गैस गैस सॉल्यूशन, गैस द्रव सॉल्यूशन और गैस ठोस सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब गैस गैस के मिलने से वह गैसीय सॉल्यूशन बनेगा, गैस द्रव के मिलने से यहाँ गैसीय सॉल्यूशन बनेगा और गैस ठोस के मिलने से गैसीय सॉल्यूशन का निर्माण करेगा, क्योंकि यहाँ बड़ा अमाउंट जो होता है वह यहाँ सॉल्वेंट मतलब क्या गैस होता है, यहाँ गैस जो है बड़ा अमाउंट होगा और जो होगा गैस द्रव या ठोस होगा वह सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। और इसके मिलने से जो घोल बनेगा वह गैसीय सॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा। और द्रव्य सॉल्यूशन में क्या आता है, यहाँ लिक्विड जो होगा वह सबसे अधिक मात्रा में, यह अधिक मात्रा में क्या आता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूट जो होगा यहाँ, जैसे लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो, तो इस ये जो तीनों जो देख रहे हैं इस अगर इसको हम लिक्विड मिलाते हैं तो इसकी मात्रा जो होगा क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा द्रव घोल में क्या होता है कि सॉल्वेंट जो होता है वह द्रव होता है और सॉल्यूट जो होता है मतलब घुल जो होता है वह ठोस या द्रव या गैस, ठीक है। अब एक बचा आपका सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब ठोस घोल या बिलियन। ये क्या होता है, इसमें जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मतलब सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होता है वह सॉलिड होगा, लेकिन सॉल्यूट जो होता है इसमें वह सॉलिड होगा, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी, ठीक है। मतलब सॉलिड सॉलिड के मिलने से जो सॉल्यूशन का निर्माण करेगा वह सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉलिड लिक्विड के मिलने से जो सॉल्यूशन बनेगा वह सॉलिड सॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा और सॉलिड गैस के मिलने से जो सॉल्यूशन का निर्माण करेगा वह सॉलिड सॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा। इसमें जो सॉलिड जो होगा वह एक्सेस अमाउंट में होगा मतलब अधिक मात्रा में पाया जाएगा, मतलब ये जो होगा इसमें वह अधिक मात्रा में होगा और ये जो देख रहे हैं सॉलिड जो होगा वह क्या होगा, कम मात्रा में। तो तीन इसमें और तीन इसमें, तो तीन तिया नौ, मतलब टोटल जो होगा वह नौ प्रकार का क्या होता है, घोल पाया जाता है। किसके आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे। तो भौतिक अवस्था के आधार पे सॉल्यूशन जो होता है मुख्य रूप से नौ प्रकार का होता है। भौतिक अवस्था के आधार पे सॉल्यूशन जो होते हैं नौ प्रकार का होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को वन शॉट में हम कैसे समझें, आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन मतलब जब सॉल्वेंट में
भाग कौन लेगा, गैस, और सॉलिड में भाग लेगा गैस। जब ये गैस गैस आपस में कंबाइन करेगा तो उससे बना घोल गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके अंतर्गत एग्जांपल आ जाएगा हवा, ठीक है। उसी तरह अगर सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो, और लिक्विड क्या हो, सॉल्यूट हो, तो इसके दोनों के मिलने से जो घोल बनेगा वह गैस सॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा। जैसे हवा में जलवाष्प हुआ, कुहासा हुआ। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो, तो इसको मिलने से जो सॉल्यूशन का निर्माण होता है वह गैस सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है, जैसे धुआं हुआ या हवा में कपूर, ठीक है। अब आइए देखिए, जैसे अगर मान सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो, और सॉल्यूट क्या हो, गैस, तो इसके दो मिलने से, इसके दोनों के मिलने से जो सॉल्यूशन का निर्माण करता है वह लिक्विड सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए हवा, जल में घुली ऑक्सीजन गैस, या जल में कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, ठीक है, या सोडा वाटर हुआ, तो इस सब इसका अंतर्गत एग्जांपल आ जाएगा। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो, और सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड हो, तो दोनों के मिलने से जो सॉल्यूशन का निर्माण करेगा वह लिक्विड सॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए जल में अल्कोहल का मिश्रण या दूध पानी का मिश्रण, ठीक है। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो, और सॉल्यूट भी क्या हो, लिक्विड, सॉलिड अगर हो, सॉलिड हो, मतलब जब ये लिक्विड और सॉलिड आपस में कंबाइन करेगा तो इससे जो बना घोल होगा वह लिक्विड सॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे नमक और या चीनी को जल में घुलाते हैं तब, ठीक है ना। अब देखिए सॉलिड सॉल्यूशन के अंतर्गत क्या हो, अगर मान लीजिए इसमें सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो, ठीक है, और सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, तो सॉलिड और गैस के मिलने से बना घोल होगा सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे प्लेडियम पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, अगर मान लीजिए इसमें सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो, और लिक्विड क्या हो, सॉलिड की तरह कार्य करता हो, और इस दोनों के मिलने से जो घोल बनेगा वह सॉलिड सॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा। जैसे सोना में पारा हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो, और सॉल्यूट क्या हो, वो भी सॉलिड हो, तो ये सॉलिड सॉलिड के मिलने से जो बना घोल होगा वह सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे तांबा और सोना का मिश्रण, तांबा और जिंक का मिश्रण, तांबा टीन का मिश्रण, ठीक है, तो जितना भी मिश्र धातु होता है वह सभी सभी ये सॉलिड सॉल्यूशन के अंतर्गत आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई राय दे सकते हैं।